हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीरो कैंपस। सो आज मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज एलजेब्रे का बताने वाला हूं, जो कि क्लास आप 7 से पढ़ना स्टार्ट करते हो, ग्रेजुअली धीरे धीरे आप क्लास 9th में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगता है, फिर 10th में, और आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो कोई भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, 7th क्लास से ऊपर, आप इसको देखे और इसको नोट्स बना के रख ले कहीं, और इसको समझे और इसको यूज़ करें। चलिए, नंबर वन क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये तो मैक्सिमम लोगों को पता है। इसे हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, ये वाला इस तरफ आ गया, माइनस हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल्स टू, इसे दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो इसको मैं लिखता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला, और ये माइनस टू ए बी इस तरफ आ जाएगा, प्लस टू ए बी। ठीक है, ये प्लस टू ए बी हो गया। अब देखो, बहुत सारा फॉर्मूलाज है, ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको याद होना चाहिए। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है? आप तो जानते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ये वाला दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि आप देख लो, ये a दोनों से मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी से, और b दोनों से मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी से। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए बी कट गया, क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही है फॉर्मूला हमारा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसे होता है ना, जैसा कि आपको पता है, ये दोनों से और ये दोनों से। ठीक है, चलो नंबर फोर्थ क्या है? बहुत सारा फॉर्मूला है, इसका एक दूसरा फॉर्म बताता हूं मैं। अगर यहां नंबर ए बी और ए बी ना हो तो ए प्लस बी और ए प्लस सी हो, मतलब तीन तीन अलग अलग टाइप के नंबर हो। यहां दो अलग अलग टाइप के नंबर थे, मान लो 5 + 2, 5 - 2, यहां 5 + 2 और 5 + 3 कुछ और ही नंबर है, तो उसको कैसे करूंगा? ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए कॉमन ले लिया, बी प्लस सी। ओके, देखो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करना, इसको इन दोनों से, इसको इन दोनों से कर लेना, आंसर यही आने वाला है। अगर याद है तो अच्छी बात है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर मान लो मैं एक नंबर लेता हूँ माइनस में, तो ए प्लस बी ए माइनस सी, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर पीछे का लॉजिक, आप इसको मल्टीप्लाई करके समझ लेना। ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन मैं भी फॉर्मूला बता रहा हूँ। ए स्क्वायर, और देखो यहाँ से हो जाएगा बी सी, लेकिन प्लस माइनस माइनस बी सी, और अगर आप ए कॉमन लेते हो तो ए तो प्लस में है, तो प्लस में ए अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? बी माइनस सी। ओके, देखो फॉर्मूला में थोड़ा प्लस माइनस का डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ माइनस लिया है। चलो आगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करता हूँ, सिक्स नंबर। मैं आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है, मैं बताता जा रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं चलो दूसरा वाला बताता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप बोलो क्या ये बराबर है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो इस तरफ मुझे क्या ऐसा देना होगा कि ये इक्वल आ जाए? देखो इस तरफ प्लस टू ए बी है, इस तरफ माइनस टू ए बी है, तो कितना बढ़ाना होगा मुझे? प्लस फोर ए बी। ठीक है, ये बैलेंस हो गया, एक तरह से फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, अब इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी देखो क्या ये बराबर है? नहीं है। क्या देना होगा इस तरफ? इस तरफ माइनस टू ए बी है और इस तरफ प्लस टू ए बी है, तो प्लस टू ए बी को कैंसिल करने के लिए एक माइनस टू ए बी और एक बढ़ाने के लिए माइनस टू ए बी, मतलब माइनस फोर ए बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इससे एक और फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा यूजेज होता है उसका, वो मैं बता रहा हूँ, जो इन दोनों से आप कंक्लूड कर सकते हो। वो क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर ए बी। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है, इसे आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, देखो यही चीज़ है, सेम चीज़ है ये। अगर मैं इसको इस तरफ माइनस में लाता हूँ तो ये फोर ए बी हो जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। जब तक मैं इसके बाद मैं क्या बताऊँगा, क्यूब वाला बताता हूँ, क्यूब वाला बताऊँगा, चलो फिर थ्री वेरिएबल्स वाला बताऊँगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करता हूँ मैं। हाँ, नेक्स्ट नाइन्थ नंबर, ए
ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैं कहने का मतलब ए प्लस ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। अब इसको तो फर्दर नहीं स्प्लिट कर सकते हैं, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं। तो ये क्या हो गया, मैंने इसको अभी नोट डाउन कर लिया, ठीक है, एज इट इज। और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये अगर चारों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, ओके। टेंथ नंबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ओके। यहां अगर प्लस है तो यहां माइनस क्यों होता है वो हम लोग प्रूफ में देख लेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, इसका मैं प्रूफ करूंगा। 12 नंबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, क्यूब, क्यूब कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी। अगर चाहो तो ऐसे लिख लो, नहीं तो इसको एक और तरीका से लिखा जाता है, ए क्यूब प्लस, दोनों जानना जरूरी है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, उसी का दूसरा फॉर्म है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बस। 13, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 14th नंबर, कुछ और फॉर्मूलाज, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी ले लेता हूं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ओके। अब इसमें अगर मैं साइन चेंज कर देता हूं तो क्या होगा, ए प्लस बी माइनस सी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो अगर सी है मैं स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव ही आएगा, प्लस 2ab माइनस 2bc, क्यों माइनस 2bc, जहां जहां सी आएगा वहां वहां माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस 2bc माइनस 2ac, ओके, ठीक है। तो इतना आपने नोट कर लिया, मैं इस तरफ हो जा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है, आगे करता हूं। चलो तो अब 16th नंबर करता हूं। 16th नंबर क्या है, a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जब दो बार माइनस है जिसमें, सिर्फ उसमें प्लस होगा, इसमें ये है, ठीक है, तो माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ac, क्योंकि ये a वाला जब भी आएगा तो माइनस हो जाएगा, और जिस दोनों माइनस माइनस bc में प्लस हो जाएगा, ये इसका रूल है। और जब आप बनाओगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अलग अलग करके, जैसे मान लो इसको आप x मान लो, ये x हो गया ये y, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर करके जब ये फिर बचेगा, फिर इसके अंदर वो अप्लाई करना होगा होल स्क्वायर, तब ये इस फॉर्म में खुल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद होगा ए इसको ए, अच्छा है ए लिखता हूँ, ए में ही सारा लिख रहा हूँ, तो ए का पावर 8 माइनस बी का पावर 8, तो ये क्या होगा, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप देख लो वापस से, एक बार रिवर्स आता हूं मैं, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मैंने भी बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, और ये दोनों आपस में मिलके क्या हो जाएगा, ए का पावर 8 और बी का पावर 8, ठीक है, ए का पावर 8 माइनस बी का पावर 8। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। और इसी में अगर एक कंडीशन दे दूं कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, अगर मैंने बोल दिया ये जीरो है तो ये पूरा आर एच एस जीरो हो गया, ठीक है। जीरो से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा आर एच एस जीरो हो गया, तो यहां क्या बचा, सिर्फ ये, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो मैं बोल सकता हूं कि ये माइनस थ्री ए बी उस तरफ चला गया, ए बी सी है ना, ए बी सी, हाँ। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू थ्री ए बी सी, ये कब होता है, व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो जब भी इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन आएगा तो इसका फाइनल आंसर बस हो जाएगा थ्री ए बी सी। और क्या लिख सकता हूँ, 19th नंबर फॉर्मूला एक और लिखता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसमें आया था फोर ए बी, फोर ए बी, लेकिन इसमें आप सोचो क्या आएगा, इसमें आएगा टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका प्लस टू ए बी और इसका माइनस टू ए बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर दो बार और बी स्क्वायर दो बार, तो हो गया टू कॉमन निकाल लिया मैंने, तो हो गया ए टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और भी बहुत सारा फॉर्मूलाज है, 20 नंबर क्या है, ए स्क्वायर ए का पावर फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर फोर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। तो अगर ये सही है, अगर तो इस बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ए का पावर फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको भी ऐसे ही लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, ठीक है। तो ये सारा कंक्लूजन्स हम जो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है उसी से निकाल कर ला रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।